सोमवार को जीआरपी थाने में पुलिस अधीक्षक रेलवे आशुतोष शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि फरार 40,000 का इनामी आरोपी पकड़ा गया है। यह पिछले 15 साल पहले चांदपुर में ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। यह अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था। जीआरपी ने इसके बहन के मोबाइल के सहारे पकड़ा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से फरार चल रहे हत्या और दहेज उत्पीड़न के फरार आरोपी राजीव को दिल्ली से पकड़ लिया गया है। इस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी जीआरपी के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस ने मुरादाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के टाउनहाल निवासी राजीव उर्फ राजू को दहेज उत्पीड़न के मामले में देहरादून से तिलक नगर स्थित रोहिणी दिल्ली कोर्ट में पेश करना था। इसको मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जा रही थी। यह आरोपी लघु शंका को कहकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। देहरादून की जेल में एक हत्या के मामले में बंद था। उन्होंने बताया कि फरार होने के बाद यह करीब 6 महीने मुजफ्फरनगर में अपने दोस्त के घर रह रहा था और फिर काम की तलाश में कानपुर चला गया। इसने वहां के बाद रामनगर उत्तराखंड में जूते की फैक्ट्री में काम किया और वहां से मुंबई चला गया। यह वहां से 2010 में दिल्ली आ गया और अपना नाम विवेक दास पुत्र शंकर दास निवासी मकान नंबर 202 नियर सेंट जॉन पब्लिक स्कूल पर मैदान गढ़ी थाना मेहरोली दिल्ली बदलकर रह रहा था। इसके बाद वह G4S सुरक्षा कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। फरार होने के बाद मुरादाबाद जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज था। इसे पकड़ने के लिए जीआरपी थाना प्रभारी राजन शर्मा, उप निरीक्षक मनोज पवार, अर्दश खान, राजीव कुमार, तजेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार, वैभव कुमार, अरुण सिंह रहे। सर क्या मामला था जिसमें पीसी करी गई? 40,000 का इनामिया बदमाश राजीव है, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2008 से फरार है। 2005 के हत्या के मामले में देहरादून जिले में वे कारागार में मौजूद था। नई दिल्ली में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में पेशी के लिए जा रहा था। तो अमरोहा के पास ट्रेन शुरू हुई, वहां पर ये वासूर के बहाने चलती ट्रेन से कूद गया था और तब से लगातार फरार। 2008 से लगभग 15 हो गया, वहाँ से लगातार ये फरार रहा। विभिन्न जिलों में रहते हुए इसने अपने धंधे किए और वर्ष 2016 से ये नई दिल्ली में रहा। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थे और हमारी टीम ने इंस्पेक्टर श्री राजन शर्मा, मनोज कुमार, सर्वनाम सिंह के अरसद और इनकी टीम के साथ मिल करके कल इसको गिरफ्तार किया है। वर्तमान समय में ये एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में फैक्ट्री में काम करता था, तो वहीं से इसकी गिरफ्तारी की गई। सर कितने केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर 3 केसेस हैं। एक हत्या का केस, हत्या और लूट का केस है जो देहरादून जिले से संबंधित है, एक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा है जो नई दिल्ली से संबंधित है और एक हमारे यहाँ मुरादाबाद जीआरपी पे जो फरार हुआ था 223-224 IPC का मुकदमा इसके ऊपर कायम। 3 केसेस में ये फरार चल रहा है।